इस वीडियो में जो शेयर के बारे में बात करेंगे स्टॉक के बारे में वो है आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस। आप उसका चार्ट देख सकते हैं, अगर वीकली चार्ट पे जाएंगे ये उसका वीकली चार्ट है। बहुत टाइम से ये कम से कम पिछले साल से ये करेक्शन कर रहा है। आप देख सकते हैं इस राउंड इस रेंज पे अभी ये बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। अब तो जून से 1200 के रेंज में 1100 के आसपास एक लो था और 1200 के रेंज में 1300 के अंदर ये बहुत टाइम से जून महीने से कंसोलिडेट कर रहा है। अब अगर डे चार्ट पे आएंगे ये देखिए एक बार 1100 में दो बार तीन बार लो लगाया है और वहाँ से वो ऊपर की तरफ चलने की एक बार कोशिश है। हमारा चैनल चैनल पे जाके पीछे देख सकते हैं, शायद वीडियो होगा आईसीआईसीआई जनरल इंश्योर, क्योंकि मैं ऑलरेडी दो बार ले चुका हूँ, दो बार बेच चुका हूँ। शायद एक बार यहाँ लिया था फिर बेचा कहीं पर भूल गया मैं, और एक बार भी लिया था ज़्यादा चला नहीं फिर मैं बेच दिया, फिर एक बार लिया था अभी उसमें से कुछ क्वांटिटी होल्ड करके रखा हूँ और यहाँ के लिए लेने के लिए मैं सोच रहा हूँ। आज शायद लेने वाला था, मॉर्निंग टाइम में देखा तो ये रेड में ही था, इस 200 मूविंग एवरेज के नीचे था इसलिए लिया नहीं, लेकिन बाद में ये आप देख सकते हैं बाद में ये अचानक सडन अपर मूव हो गया तो मैं लिया नहीं था और देखा सेकंड हाफ में मैं मार्क भी नहीं कर पाया उसको। तो ये था इस रेंज में अभी कितना से कम एक महीना हो गया, देखिए जो दिसंबर से जनवरी हो गया कंसोलिडेट कर रहा है एक महीने से। यहाँ से ऊपर जाने के लिए प्रोबेबिलिटी जो बहुत हाई है इसलिए मैं कुछ क्वांटिटी होल्ड करके रखा हूँ। यहाँ से अगर एक अपवर्ड मूव देता है और फिर जब करेक्शन होता है वहाँ से मैं और क्वांटिटी ऐड करूंगा उसके साथ, क्योंकि अभी इसका अभी अगर एक बार चलेगा तो उसका टारगेट जो है इस 1500 से ऊपर भी होगा, क्योंकि इस हाई को वो क्रॉस करेगा धीरे धीरे। अब यहाँ से करेक्शन खत्म हो गया, एक बार चला था यहाँ से करेक्शन किया यहाँ पर खत्म हो गया, इतना टाइम से 6 महीने से कंसोलिडेट किया है तो अभी अगर चलेगा तो इससे ऊपर बहुत ऊपर तक जा सकता है। तो आप लोग भी इसको देख सकते हैं, नजर में रख सकते हैं, और मैं तो इसमें यहाँ पर अगर यह ऊपर की तरफ रेंज मैं बना रहा तो मैं उधर क्वांटिटी धीरे धीरे ऐड करूंगा और ऊपर की तरफ चलेगा तो मैं होल्ड करूंगा, नहीं तो उसका छोटा सा स्टॉप लॉस देके निकाल लूंगा। फिर अगर कहीं पर मौका मिले फिर ऑलरेडी मेरे पास छोटा क्वांटिटी एक है और उसमें फिर से ऐड करूंगा जब भी मौका मिलेगा। इस रेंज में फिर से एक बार आ जाएगा तो यहाँ से करेक्शन होगा तो फिर से इसी रेंज में आ जाएगा, फिर से फिर यहाँ आने के बाद एक बार करेंगे। अगर नहीं तो यहाँ से अगर चला गया तो मैं यहाँ पर एक क्वांटिटी ऐड करके उसको होल्ड करूंगा। आप लोग भी देख सकते हैं आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस एक अच्छा स्टॉक है, 1240-50 के आसपास रेंज, 50 के ऊपर क्रॉस करेगा तो फिर 1300 सिर्फ 1500 के आसपास चलेगा, और नहीं तो छोटा सा स्टॉप लॉस ये 1200 के आसपास दे के 50 रुपीज़ का स्टॉप लॉस हो सकता है, जिसका जैसे मर्जी, कोई यहाँ तक दे सकता है, कोई यहाँ से थोड़ा बड़ा होने से 1200-1810 रुपये तक हो सकता है, यहाँ तक भी देने से भी, लेकिन बहुत छोटा होने से कट हो जाएगा। तो एक डिसेंट से स्टॉप लॉस देके उसका रखिए, फिर नहीं तो 1100 के रेंज में एक बार फिर से है, 1120-1125-1130 इस रेंज में एक बार फिर से उसको कैच कर सकते हैं अगर यहाँ से नीचे आ जाएगा तो। तो ये था आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस। अभी इंश्योरेंस बहुत सालों से चल नहीं रहा है, बहुत टाइम से, तो कम से कम अभी चल सकता है। आप HDFC में भी जाएंगे तो HDFC लाइफ जो इंश्योरेंस देखिए उसका भी चार्ट देखेंगे तो बहुत टाइम से करेक्शन हो रहा है। ये देख से कम जुलाई महीने से ये करेक्शन ही हो रहा है, अब 2021 जुलाई से, उसके बाद ये कब से अप्रैल से पहले ही ये कंसोलिडेट चल रहा है इसी सेम रेंज में, 500 से 600 के रेंज में। कितने टाइम हो गया, 6-7 महीना हो गया कंसोलिडेट हो गया, एक बार टॉप लगाया दोबारा लगाया फिर से नीचे आ रहा है अभी, और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहा है वीकली बेसिस में। तो ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, हालांकि HDFC ज़्यादा मूव देता है HDFC लाइफ, लेकिन मैं HDFC में पोजीशन कुछ बनाया नहीं, ICICI में ही बनाया हूँ ICICI जनरल में, क्योंकि मुझे ICICI अभी ज़्यादा चलेगा बोल के ऐसा लग रहा है। पिछले टाइम HDFC लेकिन ज़्यादा चला था, अब कितना 15% चला था, ये 11% उस टाइम चला था, हालांकि मेरे पास ICICI है, ठीक है एक मैं पोजीशन बना के रखा हूँ, इसमें बस थोड़ा अच्छा ढंग का क्वांटिटी हो जाएगा तो थोड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है।
आप लोग भी इसको देख सकते हैं, दोनों HDFC ICICI दोनों में। ये भी आज 200 मूविंग एवरेज के आसपास क्लोज किया है, मैं इसको भी आज देख रहा था। ये देखिए ये भी ठीक ठाक ही है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया है। इसका भी देखिए इस रेंज में अगर चलेंगे तो एक ट्रेंड लाइन जैसा यहाँ पर देख सकते हैं, एक रेंज जैसा बन रहा है, तो इस बेस बन रहा है धीरे धीरे। ये उसके ऊपर ये देखिए चैनल के पूरा डाउन के लाइन में है, इसके ऊपर निकल सकता है। अभी अच्छा जगह है HDFC लाइफ का पूरा मेरे ख्याल से। ICICI का देखते हैं, ICICI का ऐसे तो हालांकि कुछ ट्रेंड नहीं है। ये था ठीक है, ऐसे HDFC भी अच्छा है, ICICI भी अच्छा है, तो आप इसको न, दोनों शेयर के देख सकते हैं, स्टॉक को नजर में रख सकते हैं और पोजीशन बना सकते हैं। आप इसका RSI भी देखेंगे तो देखिए इधर से डाइवर्जेंस ले रहा है, तो RSI भी डाइवर्जेंस है, आप उसको नजर में रख सकते हैं आपके हिसाब से, उसमें एनालिसिस करके रिस्क देख के ले सकते हैं। HDFC का हालांकि मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन है नहीं मेरे पास, देखते हैं कल उसको थोड़ा बहुत पोजीशन ऐड कर सकते हैं, तो दोनों में कोई एक तो चलेगा। HDFC अच्छा चलता है। तो ये था ICICI और HDFC जनरल इंश्योरेंस के बारे में, आप उसको नजर में रख सकते हैं और उसमें उसी हिसाब से काम कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी ऐसा कुछ चांस रहता है नजर आता है मेरे कि ये शेयर चलने वाला है, तो मैं आप लोग को ऐसा शेयर कर देता हूँ इंफॉर्मेशन के लिए। थैंक यू।